हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मटर की सब्जी। चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग साथ साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखिए, हमने भिगो दिया था पहले से, मटर फूल चुकी है। अब इसके कुकर में रख लेती हूँ। कुकर में रख के ढक्कन बंद करके गैस पर चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, हमारे मटर और आलू दोनों पक गई है। हम निकाल के एक प्लेट में रख लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, बहुत गर्म है फ्रेंड ये अभी। ये देखिए, मटर टूट रही है। ये मैंने दो टमाटर काट लिया है, एक बड़ा प्याज काट लिया है, धनिया, लहसुन और मिर्ची। ये देखिए, मटर जिसमें मटर उबाला था उसका पानी भी साथ में रखा है। इसे गिलास की मदद से तोड़ देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है आलू। ऐसे ही करके सारा तोड़ दूंगी। अब चलती हूँ मसाले की तरफ। ये देखिए, एक चम्मच छोला मसाला है, एक चम्मच हल्दी पाउडर ले लेती हूँ और एक चम्मच मिर्ची ले लेती हूँ और पानी से घोल देती हूँ। देखिए, धीरे धीरे करके घुल जाएगा। ये हमने कड़ी पत्ता लिया है और तेज पत्ता ले लिया है साथ में। चलती हूँ कुकर की तरफ। इसी में 2 बड़ा चम्मच तिल डाल देती हूँ, थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। एक चम्मच जीरा डाल देती हूँ और इसी में लहसुन और मिर्ची भी डाल देती हूँ साथ में, और ये प्याज कटा हुआ डाल देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। तेज पत्ता भी डाल देती हूँ साथ में और ये कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ। देखिए, गोल्डन हो गई प्याज। अब इसमें ये भुना हुआ मसाला डाल देती हूँ और ये टमाटर भी डाल देती हूँ। मिक्स कर देती हूँ साथ में। ये देखिए, ग्रेवी बन के तैयार हो गई है फ्रेंड। अब इसमें ये मटर उबाला था इसका पानी इसमें साथ में डाल देती हूँ। एक गिलास पानी और डाल देती हूँ। अब साथ में ये मटर भी डाल देती हूँ। ऐसे ही सारी मटर मैं डाल देती हूँ कलछी की मदद से। क्योंकि फ्रेंडी बहुत गर्म है इसीलिए जो है कलछे से डालूंगी। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। ढक्कन लगा के कुकर पर चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, हमारी सब्जी पक गई है।
साथ में धनिया डाल देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड। इसे चाहे चावल से खाएं, चाहे रोटी से या पूड़ी से। मैंने इसके साथ में पूड़ी भी बना लिया है। सब्जी बहुत टेस्टी बनी है फ्रेंड, खुशबू आ रही है।